दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर टायरों की दिशा यहाँ पर चेक की जा रही है। भाई साहब से पूछता हूँ क्या हो रहा है, उसकी सेटिंग कर रहे हैं। क्वालिटी चेक का पार्ट है ये। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पता किया है, इसको टोइंग सेटिंग कहा जाता है। उस टेस्ट के बाद एक नया टेस्ट अब होगा। ये टेस्ट भी बहुत कमाल का है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर इसके लिफ्ट वगैरह टेस्ट की जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा महिंद्रा XP प्लस मॉडल आ चुका है और यहाँ पर इसकी हाइड्रोलिक टेस्ट की जाएगी। इतना वहाँ पे नया ट्रैक्टर आ चुका है तो हर काम को यहाँ पर 144 सेकंड लगते हैं। तो यहाँ पर इस बाइक की जिम्मेदारी 144 सेकंड में इसको टेस्ट करके आगे लेके जाना है। ये देख सकते हैं, अब लिफ्ट उठाई जा रही है, टेस्ट किया जा रहा है लिफ्ट द्वारा। तो वहाँ पर मशीन्स में आ जाता है टेस्ट में पास हुआ है या फेल हुआ है। पास से दिखाता हूँ मैं आपको। आवाज़ देख सकते हैं ट्रैक्टर की, बहुत ही शानदार। हो गया टेस्ट, पास हो गया। ओके, तो दोस्त हमारे बता रहे हैं कि अब इसको चेक किया जाएगा कि ये टेस्ट में पास हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस मीटर में कैसे पता चलता है? ओके, कितना कितना? 12 सेकंड। ओके, 30 सेकंड में चेक किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबरिंग आ रही है, ये देख सकते हैं आप। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर पास है। दोस्तों हमारे भाई साहब ने बताया कि ये ट्रैक्टर पास हो चुका है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या प्रोसेस होता है। अब रोड टेस्ट होगा इसका। दोस्तों देख सकते हैं हमारा ट्रैक्टर वहाँ से आएगा, अब इसका रोड टेस्ट होगा। तो दिखाएंगे आपको कैसे रोड टेस्ट महिंद्रा करता है। आ गया हमारा भूमि पुत्र, देख सकते हैं यहाँ पर रिवर्स फॉरवर्ड दोनों चीज़ें करके देखी जाती हैं। यह एरिया वही एरिया है जहाँ पर टेस्ट किया जाएगा इसको, तो देख सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैक्टर की टेस्टिंग की जा रही है पूरी दबा के। रोड बिल्कुल काला कर दिया है टेस्ट कर करके। मैं आपको पास से दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर महिंद्रा का ट्रैक्टर टेस्ट हो रहा है पूरे अच्छे से। दोस्तों देख सकते हैं ये महिंद्रा अपना सभी टेस्टों में पास हो चुका है। हर लाइन असेंबल होने के बाद टेस्ट की जाती है। तो देख सकते हैं ये हमारा DI XP बिल्कुल रेडी है, टेस्ट हो चुका है अच्छे से।